मैं असुर पस्या के बारे में बात कर रहा था। असुर पर्यावरण जो खास करके ऐसी लेडी जो बचपन से अति सूरज का दर्शन नहीं किया है, सूरज में नहीं रहती है, बैठती नहीं है, प्रदानासीन है वो याति हो उसको ज़्यादा होगा, और बोन्स का डेवलपमेंट है जो है टीथ है बोन का डेवलपमेंट, उसमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए एक एवरेज एस्टिमेट है कि अगर विटामिन डी हम लोग के लिए बहुत एसेंशियल है और एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे ज़्यादा उसका आजकल उसका बहुत बड़ा रोल हो गया है, वो कहता है कि इम्यूनिटी में उसका जो है डिफेंस मैकेनिज्म में उसका बहुत बड़ा रोल है, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए विटामिन डी जरूर लेना चाहिए और कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। तो ख़ास करके अगर विटामिन डी अगर है तो सूरज में तो डायरेक्ट नहीं है, वो है अल्ट्रावायलेट, और हम लोग जो सिबेशियस ग्लैंड होता है हेयर फॉलिकल्स में स्किन में जहाँ पर बाल है उसके जड़ में से निकलता है एक चिकनाई वाला पदार्थ है उसको सीबम कहते हैं, और स्वेट ग्लैंड का अलग से छिद्र होता है, उसका पोर्स अलग होता है, इसे हेयर फॉलिकल्स से कोई मतलब नहीं है, और उसमें से जो निकलेगा अल्ट्रावायलेट लाइट जो सूरज से निकल के आके या त्वचा पर पड़ेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा, उसको जो 7-डिऑक्सीकोलिक एसिड रहता है एक फैट का एक वेराइटी है, तो उसको लेके और उसको कन्वर्ट करके वो किडनी में जाएगा, 1-अल्फा-हाइड्रोक्सीलेशन होगा, लीवर में होगा 25-हाइड्रोक्सीलेशन होगा, अतः तो वो एक्टिव फॉर्म और विटामिन डी बन जाता है, और वही जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, और कैल्शियम जैसे दूध में कैल्शियम बहुत अच्छा है, दूध दही डेयरी प्रोडक्ट चीज़ में इसमें इस सब में है, तो उसका एब्जॉर्प्शन उसमें अगर फाइट्रेट्स ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा अगर वेजिटेरियन आदमी है ज़्यादा है तो उससे कैल्शियम को जो है बाइंड कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो आइडियली बहुत हरा पत्ती उत्ती के साथ है दूध को कम पीना चाहिए, और वो कैल्शियम और विटामिन D3 अगर नहीं रहेगा तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो इसीलिए मजबूत माने हड्डियाँ, हम मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ, आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हियर इन पटना, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर हियर इन पटना मेडिकल कॉलेज, तो इसलिए ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि विटामिन डी जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिंक है, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सब है, आइए चूँकि इम्यूनिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है इसलिए, तो धूप जो सेकना है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स में विटामिन का डी का ये है, उसमें अलग से खर्च भी नहीं है, ऊपर वाले कृपा से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, और एक रफ एस्टिमेट में कहा जाता है कि अगर एक महीना एक घंटा रोज अगर सन का आपको लाइट मिल जाए तो साल भर का चूटी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन डी, और ये स्टोर हो जाएगा उतना हमारे बॉडी में कि साल भर वो देख लेगा, तो इसलिए डे लाइट में जरूर, ठीक है थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा मलिन कर सकता है या मेरे कम्प्लेक्शन को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन एक कहावत है कि सूरज को डायरेक्ट चेहरे पर नहीं लेना है, उसको पीठ पीछे से लेना है, पीठ पीछे से, और आग हम लोग तापते हैं जाड़े में खास करके वो आगे से ऊर के तरफ से पेट के तरफ से, लेकिन धूप लेनी है पीछे से, बहुत सिंपल सिद्धांत है, ये गांव वाले देहात वाले अननोन सब आदमी जानता है बाय एक्सपीरियंस ही लोगों ने देखा है, इसीलिए सोचा कि आप लोग शेयर करूं, और इसका अलग से आता है लेकिन अंडर डायरेक्ट मैंने अपने नहीं लेना है, डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना है, क्योंकि उसका हाइपर टॉक्सिसिटी भी होता है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो ये जो रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस करके है, ऑस्टियोमेलेसिया है, इस सब में इस सब का विटामिन डी का और कैल्शियम का बहुत सारा मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरॉन है, ये सब का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए खास करके इस बार हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाए रखना है, इसलिए भी कह रहा हूँ कि श्रेयस्कर है, थैंक यू वेरी मच।